हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और इसमें आज स्टूडेंट्स हम कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, ओबीटीन एंड एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। एक फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो स्टूडेंट्स ड्राइव करना है इन टर्म ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। एक गिवन मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होगा उसकी फॉर्म में, तो मीन्स यहाँ हमें जो इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और जो वर्क फंक्शन है दैट इज फाई नॉट, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है स्टूडेंट्स वो ड्राइव करना है एज अ एक्सप्रेशन। तो ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन। तो पहले हम एक मेटल जो है कंसिडर करते हैं, हमने मेटल सीट कंसिडर की ए, जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स हम काउंट करें, वर्क फंक्शन दैट इज गिवन बाय फाई नॉट। और इस मेटल सीट पर हम एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स जो है इंसिडेंट कर रहे हैं, मीन्स पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट की, और ये फोटॉन्स जो है अपनी एनर्जी इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से यहाँ एमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, विच इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर एक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी स्टूडेंट्स हम काउंट करें तो दैट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। अब जो ये एक सिंगल फोटोन की एनर्जी स्टूडेंट्स वो यूटिलाइज होती है टू वे से। फर्स्ट वन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने में, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ वर्क फंक्शन, मीन्स इस एनर्जी की कुछ फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के एटॉमिक न्यूक्लियाई से लिब्रेट करवाने में, फ्री करवाने में यूटिलाइज हो जाती है, जिसको हम काउंट करते हैं एज अ वर्क फंक्शन। एंड सेकेंड वन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क फंक्शन फॉर द गिवन मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर स्टूडेंट्स जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उनकी टोटल एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से जस्ट इजेक्ट करने में। मीन्स ये एनर्जी जो है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के एटॉमिक न्यूक्लियाई से जस्ट रिलीव करवाने में यूटिलाइज हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम्स जीरो। मीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट photons becomes equal to threshold frequency for a given metal, then kinetic energy of emitted photoelectrons becomes zero. स्टूडेंट्स जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है यहां से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस जीरो। मीन्स यहां से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है उसके लिए आंसर आ जाता है, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन टू द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और यही एक्सप्रेशन जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने ड्राइव करना था। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स,
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल्ड, कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं. विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, या हमें जस्टिफाई करना है. इस प्रॉब्लम में भी स्टूडेंट्स जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक गिवन मेटल के लिए हम काउंट कर लेते हैं वर्क फंक्शन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, पाई नोट है. तो पहले केस में स्टूडेंट्स जो हमने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए हैं और जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है उनकी एनर्जी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. मान लेते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो दी जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू से. और फर्स्ट केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हम काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, के वन है. अब यहाँ अगर बात करते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो एच न्यू जो है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं. तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज्ड. मीन्स अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देती है, चेंज कर देती है न्यू डैश, दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी. तो अब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी स्टूडेंट्स E, दैट इज इक्वल टू एच न्यू डैश. अब अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास एनर्जी बनी टू टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी. तो इस केस में स्टूडेंट्स अगर हायर एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट करेंगे वर्क फंक्शन गिवन मेटल के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो हमने काउंट कर ली के टू. तो अब इस सिचुएशन में अगर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी टू टाइम्स ऑफ एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मेटल इज कॉन्स्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी है तो इसलिए हम यहाँ काउंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के टू. सी जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई है हमने काउंट की इक्वेशन नंबर वन और इस इक्वेशन को काउंट किया एज ए इक्वेशन नंबर टू. नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन. तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास रहा टू डिवाइडेड बाय वन, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड की, देन राइट साइड में अगर देखें तो फाइव नॉट प्लस के टू डिवाइडेड बाय फाइव नॉट प्लस के वन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रहेगा टू टाइम्स ऑफ फाइव नॉट प्लस टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के वन इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के टू. अब यहां से अगर सिंप्लीफाई करें फॉर द काइनेटिक एनर्जी के टू तो रिजल्ट होगा टू टाइम्स ऑफ के वन प्लस फाइव नॉट. मीन्स यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो सेकेंड केस में एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डबल तो होती ही है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की अमाउंट जो है स्टूडेंट्स वो भी जुड़ती है. दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीज मोर देन ट्वाइस टाइम when the frequency of incident photons is doubled. That's all. Third problem dekhe students, using the graph shown between stopping potential एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स के बीच में ये ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग काउंट की गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन विद अ मल्टीपल 10^14 हर्ट्ज एंड वाई एक्सिस के अलोंग काउंट किया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट. Then we have to calculate the value of Planck's constant. हमें इस ग्राफ की हेल्प से स्टूडेंट्स Planck's constant की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करनी होगी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एस न्यू माइनस वर्क फंक्शन. अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लिखी जा सकती है ई वी नॉट दैट इज इक्वल टू एस न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट दैट इज वर्क फंक्शन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. अब यहाँ जो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ वेरिएशन होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की और फ्रीक्वेंसी की. अगर डिफरेंशिएट करती है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करती है तो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स ई डेल वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू डेल न्यू. जो वर्क फंक्शन है वो एक गिवन मेटल के लिए कॉन्स्टेंट होगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपका होता है जीरो. तो मीन्स यहां से हमारे पास जो h की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो दी जाएगी डेल वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल ऑफ न्यू इनटू e दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब वैल्यूज रिप्लेस करती हैं, h इज इक्वल टू डेल वी नॉट. अब डेल वी नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर ग्राफ से निकालते हैं तो टॉप के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू गिवन है 1.23 एंड बेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है जीरो. तो मीन्स डेल वी नोट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 1.23 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी. अब इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन होगी, अब जो ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 8 यूनिट विद मल्टीपल 10^14 एंड बेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 और 6 के बिटवीन है. तो मीन्स ये आपकी काउंट होगी क्या 5. तो मीन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 8 माइनस 5 विद अ मल्टीपल 10^14 इनटू ई दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19. प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है तो यूनिट होगी जूल सेकेंड. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स एच इज इक्वल टू 1.23 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10^14 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल सेकेंड. तो फाइनली स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दैट इज एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट.
दैट्स ऑल।